मीर साहेब मीर फकीर रहमान साहब की जो खिदमत है वो तो मेरा ख्याल है अक्सर लोग उसका जिक्र कर चुके होंगे, मगर ये बात वाज़ेह जरूर है कि जब उन्होंने ये बुनियाद रखी हमारा हक की और जब मुल्क के वतन पाकिस्तान की बुनियाद रखी है, वो जो उस वक्त थे जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी उसमें इन्हीं इनको भी गिनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब उनने आवाज़ सुनी अपनी मुल्क की उनने अपने आप को हासिल कर दिया। मगर जैसे अभी अर्ज हो चुका है इस बात का कि उन्होंने जो फ्रीडम ऑफ प्रेस जिसको बहुत अहमियत दी जाती है वो कभी नहीं भूले, और जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहेब ने भी उनको बुलाया और कह के हुकूमत आपकी मदद करेगी, उस वक्त हर कोई कायदे आज़म लाजमी बात थी उनके साथ मिलने की उनके साथ चलने की वादा कर रहे थे वफादारी कर सकते, मगर यह उनकी नाफरमानी नहीं थी। उनको भी पता था मीर फकीर रहमान साहेब को कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो एक बुनियाद है एक पिलर है वो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। तो इस लिहाज से मैं इस वक्त पाकिस्तान 60 साल से ऊपर हो गए बुनियाद कोई वे जब वो मुल्क का तसव्वुर कायद आज़म था और तसव्वुर कायद आज़म को इस वक्त फ्रीडम ऑफ प्रेस जो थी एक बहुत ज़रूरी और अहम हिस्सा था। तो इस उम्मीद के साथ मैं जंग ग्रुप को मुबारकबाद भी देता हूँ मगर याद दहानी भी करवाता हूँ। तसव्वुर कायद आज़म तसव्वुर खलील उर रहमान उसको हमेशा अपने दिलों में जगाए रखें क्योंकि वो जो थे बुनियादी लोग जो थे जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी असल तसव्वुर पाकिस्तान आगे मुस्तकबिल में भी यही होना चाहिए। मैं आप सबका मशहूर हूँ और शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि आज आपने दावत नामा ली और इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ के जंग रूप आगे बढ़ता जाएगा पाकिस्तान और सब पाकिस्तान डायस्पोरा क्या लंदन में हों ब्रिटानिया में हों कहीं भी दुनिया में हों उनके लिए असूली आवाज़ हकीकी आवाज़ और इंसानी इंसानियत की आवाज़ हमेशा कायम रखेंगे। वो आखिर अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जान रैम्बो, कीप वॉचिंग TV 786, देखते रहिए।